जिनको आप नेट आई से देख सकते हो, जो कि केवल वन सेल से बने हुए होते हैं या वन सेल से केवल क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। फिर है आपकी फंगी ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि आपकी क्लोरोफिल की अब हम बात करते हैं क्या होती है, कमी होती है। फिर आता है आपका वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सेल ऑफ अनदर लिविंग थिंग। वायरस आपका ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता, माइक्रोस्कोपिक मीन जिसको कि आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। वायरस को देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग थिंग, यानी जो भी आपके उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि कहां पर रहते हैं, आपके किसी भी लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, आपके वायरस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एल्गी, सिंपल ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या है, आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि कहां पर मिल सकती है आपको, लेक में, पॉन्ड्स में, है ना, सी के मतलब किनारे पर आप देख सकते हो हरी हरी कलर की लग जाती है जिसको हम बोलते हैं काय, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एल्गी कहलाती है, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। लास्ट है यहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि आपके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आपके एनिमल के जैसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये क्या है,